मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर गुजरात लगता है, जहां 182 में से 156 सीटें जीतकर 53% वोट लाकर के भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया और कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप नेस्तनाबूत हो गए। मध्य प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास का मॉडल, यह हमारी ताकत है। और भाजपा का संगठन का एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है कि जो 2003 से पहले बीमारू राज्य दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार के नेतृत्व में आपने बनाया था और 15 महीने की कमलनाथ के नेतृत्व की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, हम प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं। और अब की बार 200 पार का नारा मध्य प्रदेश में साकार रूप लेगा। आइए, मध्य प्रदेश इस बात का जवाब देने के लिए जो आपने झूठ बोला था आपको तैयार बैठा है। कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं क्या? अरे आप देख लो ना, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से गुजरात लगता है, जहां आपकी जमानत जब्त हो गई और बहुत समय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लगता है, जहां 17 के 17 नगर निगम जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया। और यही मध्य प्रदेश है जहां 28 चुनाव थे, तब कहां थे राहुल गांधी जी? इसी मध्य प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया, ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव में आईना दिखाया, जब भी चुनाव हुए तब आईना दिखाया और फिर 23 में आईना दिखाएंगे। आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश का संगठन मजबूती के साथ मैदान में उतरा है। और आखिर मुख्यमंत्री ने इस पूरे ही मसले पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। तो बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक पे अब जो है कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। वीडी शर्मा का बयान भी आपने सुना। वीडी शर्मा ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी का गढ़ है मध्य प्रदेश और 200 पार का नारा इस बार भी हम लगा रहे हैं और 200 सीटें जीतेंगे। उसी तरह मुख्यमंत्री ने भी यही बयान दिया। हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए। अनुराग, बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई है, 150 सीटें जीतने का दावा राहुल गांधी द्वारा किया गया है। अभी तक जो है बीजेपी इस बात को लेकर दावा कर रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 200 पार जो है बीजेपी जाने का काम करेगी। अब की बार 200 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब 150 सीटें विधानसभा चुनाव में जीतने का दावा करा है। राहुल गांधी ने इस बात का दावा किया है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 150 सीटें हासिल होंगी। अभी तक की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह लगातार जो मंडलम सेक्टर की बैठक कर रहे थे उसमें 130 से 135 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो दावा किया है उसके पीछे कमलनाथ की जो प्रतिक्रिया आई है कि राहुल गांधी का अपना खुद का सर्वे है और उसी के आधार पर राहुल गांधी ने ये दावा किया है। तो कुल मिलाकर जो कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे वहां पर भी अपेक्षा से ज्यादा परिणाम कांग्रेस को मिले और उसी के बाद कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई सर्वे है जिसके आधार पर राहुल गांधी इस बात का दावा कर रहे हैं, या फिर आज जो बैठक हुई थी दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद मिला फीडबैक ये बता रहा है कि क्या कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी? क्योंकि राहुल गांधी ने न सिर्फ आज की बैठक में कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इस बात को लेकर फीडबैक लिया है कि कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में होंगे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी और एंटी इनकम्बेंसी क्या वाकई में मध्य प्रदेश में असरदार है, और इसके अलावा
कौन से चेहरे होंगे, तो कुल मिलाकर पूरा फीडबैक मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं से लिया, और उसके बाद जो राहुल गांधी का दावा है उसको एक तरीके से यदि हम कहें तो कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम थे, जो अपेक्षित परिणाम थे, उससे ज़्यादा जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उसी के बाद से ये राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा है, और उसी के बाद अब पार्टी इस बात को लेकर दावा करती हुई नजर आ रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में विश्वास तो बढ़ा है, दावा भी कर दिया गया। पर बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि कोई नेता कहते हैं किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कोई कहता है कि कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, गुटबाजी पूरी तरह से नजर आ रही है कांग्रेस में अभी भी। बिल्कुल, देखिए आज जो दिल्ली में बैठक हुई उसका मकसद ही इसी बात को लेकर था कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिनकी गुटबाजी की खबरें पार्टी हाईकमान तक पहुंचती हैं उनसे भी चर्चा की जाए। देखिए पार्टी साफ कर चुकी है, खुद प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल साफ कर चुके हैं कि इस बार सिर्फ कांग्रेस अपने बैनर पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर चेहरा कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का कौन होगा इसको लेकर पार्टी में भले ही एकमत अभी ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अब आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उसकी जीत कहीं ना कहीं आसान हो सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।